कानपुर से आ रही है बड़ी खबर। नए एसएसपी को बदमाशों ने दी खुली चुनौती। चकेरी में हिस्ट्री शीट। पिंटू सेंगर की गोली मारकर हत्या। जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला चकेरी का जाजमऊ इलाका। शार्प शूटर्स ने घटना को दिया अंजाम। 9mm के कारतूस मौके से बरामद। इलाके के माफियाओं का नाम आ रहा है सामने। बीएसपी नेता पिंटू सेंगर को गोलियों से भूना। सरेराह बदमाशों ने पिंटू सेंगर को उतारा मौत के घाट। थाना चकेरी में चौकी जाजमऊ क्षेत्र में एक पिंटू सेंगर नाम के प्रॉपर्टी डीलर का अभी चार अज्ञात युवाओं के द्वारा दो मोटरसाइकिल में पीछा किया है। यहाँ पे वो इनोवा गाड़ी से जैसे उतरे हैं उनके ऊपर गोलियाँ चलाई गई है और फिर उसे पीछे लौट के भाग गए थे। घायल पिंटू सेंगर को पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। सर, मौके से कारतूस भी बरामद हुए हैं। कितने कारतूस क्या कौन से कारतूस बरामद हुए हैं और कितने राउंड गोली चलने के बाद अभी तक सामने आई है? अभी तक सामने ऐसे मतलब 5-6 के ऊपर गोलियां चलने की बात कही गई है। मौके से उतने ही काली मतलब खोखा भी 32 बोर का बरामद हुआ है। तो हम लोग अभी मौके से जो ट्रायल्स पकड़ेंगे और जल्दी से जल्दी इसका वर्कआउट। प्रथम दृष्टया क्या समझ में आया? हाई प्रोफाइल मामला है, प्रथम दृष्टया क्या समझ में आया? देखिए, अभी इसमें कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। अभी आधे घंटे पहले की घटना है। हम लोग मौके पर हर चीज़ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी सही है और जो भी तथ्य है उसके आधार पर हम विवेचना आगे बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी इसका खुलासा होगा। माफियाओं को भी नाम सामने आ रहा है क्या? अभी मेरे सामने इनका ना तो परिवार वाले बोले हैं कुछ, ना इनके जानने वाले कोई किसी का नाम लिए हैं। जो भी होगा, जो तथ्य फैक्ट्स है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद।